पहले तो हम गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम रख देंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम यहाँ पर साथ ही साथ मटर पकने के लिए रख देते हैं। तो इसमें पानी और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। दीपक भी आ चुका है, दिनेश, पापा जी सभी बैठे हैं, तो फटाफट से सब्जी बना लेनी है मुझे, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। अब रात के 9 बज रहे। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। जैसे ऑयल गर्म हो गया इसके अंदर डाले हैं 7 से 8 काजू, 1 मीडियम साइज़ का कटा प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है तो हरी मिर्च आप 1 या 2 ले सकते हो। तो हमें अच्छे से इसे मिलाते हुए भून लेना है। और अब डालेंगे इसमें हम 1 चुटकी नमक, और प्याज को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, सारे हरी मिर्च, काजू, प्याज सबका कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से भून चुके हैं। अब डालेंगे हम इसमें 3 मीडियम साइज के कटे टमाटर। अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे भून लेना है, और ढककर टमाटर गलने तक हमें इसे ढककर पका लेना है धीमी गैस पे। और इधर साथ ही साथ हम मटर को भी चेक करते रहेंगे, ये ज़्यादा कहीं ज़्यादा ना पक जाए। तो ये परफेक्ट पक चुके हैं, तो हम इन निकाल लेते हैं मटर को। और एक छन्नी में डालकर इसका जो भी पानी हो सारा नीचे निकल जाएगा। और अब हम तुरंत इस मटर को हम ठंडे पानी में डालकर रख देंगे। ऐसा करने से इसका कलर चेंज नहीं होगा, ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। तो इस तरह से ठंडे पानी में डालकर रख दिया। आप चाहो तो इसमें आइस भी डाल सकते हो। अब एक बार टमाटर चेक कर लेते हैं। तो टमाटर अभी पूरे नहीं गले हैं। अब हम इसके अंदर मसाले मिलाएंगे। तो मसालों में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और अभी 2 या 3 मिनट तक हम अच्छे से इसे इस तरह से मिलाते हुए भून लेंगे। जो भी इसमें हमने मसाले डाले वो अच्छे से भून जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट अच्छे से हमें मिलाते हुए मैंने इसे पका लिया है। तो टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और इसमें के मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडे होने के लिए रख देते हैं। तो सारा मसाला प्लेट में निकाल लिया, इसे ठंडे होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पर कढ़ाई में 1 कटी 3 कप मेथी है इसे डालकर हम अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो मेथी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, ये एकदम सिकुड़ सी गई है, बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है। और यहाँ पर ये मसाले भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हमें मिक्सी के जारे में डालकर
थोड़ा सा पानी डालकर एकदम महीन इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर एक कप पानी डाला है और ये देखिए मसाले पीस कर एकदम महीन हमें पीस लेना है। इस तरह से इसकी ग्रेवी बना लेनी है। अब हमारा पीसना पिसवाना हो चुका है, अब हम सब्जी बना लेते हैं। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ये सब्जी बनती है इस तरह से बनाने से। तो अब यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है, इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देते हैं, आप चाहो तो इसमें इलायची भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाली, बस जीरा ही ले लिया है क्योंकि ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाते हैं हमारे घर में, इसी वजह से मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। तो जीरा अच्छे से चटकने के बाद आप डालेंगे ये ग्रेवी, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस धीमी रख देंगे, ज़्यादा फुल गैस पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक सकती है, और तुरंत मिलाते हुए हम इसे पका लेंगे। मिक्सी के जारे धुलकर इसी में डालेंगे, मसाले वेस्ट नहीं करेंगे। अब अभी थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। तो ग्रेवी 2 से 3 मिनट अच्छे से पक चुकी है, अब डालेंगे हम इसमें ये पकाए हुए मटर और साथ ही साथ ये रोस्ट की हुई मेथी। डाल के अच्छे से मिला लेंगे और ये मटर और मेथी ठंडी हो चुकी है, तो थोड़ा सा गर्म होने तक हम थोड़ी देर पका लेंगे। मटर और मेथी डाल के 1 मिनट तक पका लिया है और ये ग्रेवी कुछ ज़्यादा ही थिक लग रही है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। तो दूध डालने से पहले हम थोड़ी सी ये सब्जी इसमें मिक्स करेंगे ताकि दूध हमारा फटे ना, ऐसा करने से दूध बिल्कुल नहीं फटता है। और डालते हुए हम मिला लेंगे, इस सब्जी का टेस्ट ना लाजवाब आता है, बहुत टेस्टी लगती है और सबको पसंद भी आएगी, बच्चे हो बड़े हो सबको पसंद आती है, बहुत टेस्टी ये सब्जी लगती है, जैसे होटल में रेस्टोरेंट में मिलती है ना बिल्कुल उसी तरह से इसका भी टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी कभी ट्राई कर लेना, और इस वक्त तो आप बनाना ही बनाना क्योंकि इस वक्त हरी मटर आ रही है, सूखी सुखाई मटर तो कभी भी मिल सकती है मगर इन दिनों हरी मटर ताज़ी मटर आ रही है। तो ये सब्जी को हम थोड़ी देर पकाने के बाद आप डालेंगे इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के अच्छे से मिला लेंगे। ढककर थोड़ी देर पका लेते हैं। तो इस सब्जी का कलर देखिए, अब देखते ही लग रही है ना स्वादिष्ट। अब डालेंगे हम इसमें 1 से 2 चम्मच मलाई, जो ताजी मलाई जो घर पर दूध पे आ जाती है ना, दूध पर चढ़ जाती है वही मलाई है ये, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस सब्जी रेडी है। अब सबको परोस देते हैं, रोटियां तो पहले ही बना ली है मैंने, और दीपक पापा जी और दिनेश के लिए पहले परोस देती हूँ, फिर ये आने के बाद हम भी खाना खा लेते हैं। सब्जी को देखकर सब्र नहीं हो रहा है, मुझे भी भूख लगाई है। तो आप बताएं कब बना रहे हो, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी, बनाए खाएं और सबको खिलाएं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सूरज की पहली किरण के साथ खिल गए होंगे। अब सुबह का टाइम है, सुबह के सारे काम मेरे निपट चुके हैं और मैं नहाकर आती जा रही हूँ, और अब चलते हैं किचन में, पहले मंदिर में चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, आज दिन गुरुवार का है तो पहले तो नित्य पूजा मेरी होगी, फिर शाम में आज दूसरा गुरुवार है इस मास का, मतलब मार्गशीर्ष मास का दूसरा गुरुवार है, तो शाम 5 बजे महालक्ष्मी की पूजा होगी, फिर चलते हैं मंदिर में, फिर बाद में चाय वाय बनती रहेगी। घर की साफ सफाई नहाने से पहले हो जाती है, मगर मंदिर की सफाई मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। सारे मंदिर के भगवान यहाँ पर बिठा दिए हैं और मंदिर की साफ सफाई कर ले रही हूँ। आज गुरुवार है तो शाही बाबा का अभिषेक भी होगा और शाम के टाइम माता लक्ष्मी की पूजा होगी। मंदिर की साफ सफाई हो चुकी है, अब भगवान को नहला देते हैं। भगवान को नहला दिया है, अब कपड़े से पोंछ लेते हैं और उनका ये बैठने वाला पार्ट भी अच्छे से पोंछ लेते हैं।
पहले तो मैं नित्य पूजा कर लेती हूँ, फिर शाही बाबा का अभिषेक भी कर लूंगी। भगवान को कुमकुम चंदन सब लगाकर फूल चढ़ा दिए हैं, अब शाही बाबा का अभिषेक कर लेते हैं। शाही बाबा का अभिषेक हो चुका है, पोंछ के इन्हें कपड़े पहना देते हैं। ये मोतियों की माला, रुद्राक्ष माला और फेटा, ये सब शाही बाबा को से पहना दिया है और मंदिर में बिठा दिया है। अभी इनकी भी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुमकुम चंदन शाही बाबा को लगाकर फूल चढ़ा देते हैं। और अभी रंगोली नहीं बनाई है तो रंगोली बना लेती हूँ। तो पूजा हो चुकी है, दिया वगैरह लगा लेते हैं, दिया धूप। अब सुबह के 9 बज रहे, दिनेश दीपक दोनों भी गए हैं और दिनेश आ जाता है 9 बजे, 9:15 बजे वापस आ जाता है उसके मॉर्निंग क्लास होने के बाद। फिर उसके लिए अभी चपाती बना ली, नहीं सुबह उपमा बना था तो दीपक ने दिनेश ने दोनों ही खाकर वो चले गए। तो मेरी नित्य पूजा हो चुकी है, तुलसीदास जी में जल चढ़ाकर पूजा कर मैं आ चुकी हूँ। तो पूजा हो चुकी है कम्प्लीट, अब चपाती बना लेते हैं। दिनेश आ चुका है, अब सुबह के 9:15 बज रहे। सब्जी बनी थी, मेथी की सब्जी बनाई थी सुबह दीपक को देने के लिए, तो सब्जी है और ये आटा भी सुबह ही लगाया हुआ है। तो दीपक को चपाती सब्जी बनाकर दे दी, जो बची हुए आटा था वैसे फ्रिज में रख दिया था, तो इसकी चपाती बना रही थी। और दूध अभी अभी आया है, दूध बहुत लेट से आया है आज, तो दिनेश दूध गर्म करने के लिए रख दे रहा है जब तक मैं चपाती बना लेती हूँ। तो सुबह तो मैंने कलसी भर कर ही पूजा कर ली थी, मगर कलसी में का पानी खत्म हो गया, तो दिनेश फिर से कलसी भर कर रख दे रहा है और उसे पीने के लिए भी बोरवेल का ताज़ा ताज़ा पानी ले लेता है। तो यहाँ पर दिनेश का खाना चल रहा है और मैं ये टॉवल वगैरह सुखा दे रही हूँ, जो नहाने के बाद इधर उधर सभी फेंक देते हैं, तो थोड़ा सा हवा में डाल देती हूँ। यहाँ पर दस्ती वगैरह जो रुमाल है वो सब फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि टाइम से मिल जाए। और इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।